फ्रेंड्स, क्या आपको भी गोल्डन ग्लो सेरम पसंद है? भाई मुझे तो गोल्डन ग्लो सेरम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, मैंने बनाया है DIY गोल्डन ग्लो सेरम। ना फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लो सेरम आपको क्यों बनाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? पहली बात तो गोल्डन ग्लो सेरम से हमको मिलता है एक अमेजिंग ग्लो चेहरे पे। दूसरी बात है, ये हमारे चेहरे पे देता है निखार, जो है ब्राइटनेस। और भी बहुत ज़्यादा स्किन बेनिफिट्स हैं इस सेरम के, सो मैं बताऊंगी आगे इस वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको करना होगा एक छोटा सा काम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे होगा एक सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कर देना। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलना। तो चलो शुरुआत करते हैं बनाना गोल्डन ग्लो सेरम। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करना है आपको कच्ची हल्दी से। सो फ्रेंड्स, ये कच्ची हल्दी नहीं है, ये कच्ची हल्दी जो है सूखी हुई है। अगर आपको गीली कच्ची हल्दी मिलती है तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा, बट मुझे नहीं मिली तो मैंने लिया है ये सूखी हुई कच्ची हल्दी। आपको क्या करना है, आपको इसे पीस लेना है और उसका थोड़ा सा पाउडर लेना है। कच्ची हल्दी ज़्यादा बेनिफिट करती है हमें प्रोसेस्ड हल्दी से। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो बॉडी क्यूपिड का एलोवेरा जेल है। दिस इज 99% प्योर जेल फ्रेंड्स। सो अगर आप कोई भी DIY बनाते हैं, अगर आप नेचुरल लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बॉडी क्यूपिड का एलोवेरा जेल। सो लगभग से लगभग आपको एक टेबल स्पून या टी स्पून आप डाल सकते हो, जितना आप बना रहे हो उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको मिक्स करना है। बेसिकली आपको ये दो इंग्रेडिएंट चाहिए टू मेक दिस गोल्डन ग्लो सेरम। अब हम इसे मिक्स करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, हल्दी ग्लो एंड निखार तो देती है, बट इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारे चेहरे पे पिंपल मार्क्स या फिर रेडनेस को हटाता है। अगर आपको ब्लेमिशेस के वजह से या पिंपल्स के वजह से रेडनेस हो गई है तो इसे सूद भी करता है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे विटामिन ई की एक कैप्सूल। सो उसका ऑयल आप डाल सकते हो। सो ये बहुत ही ईजिली मिल जाती है, एवियन टैबलेट्स कहते हैं इसे, 400 mg की मैंने ली है। और इसका हम एक टैबलेट लेंगे और इसमें आप डाल सकते हैं, या फिर आप एलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास प्योर एलमंड ऑयल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। मैं सब आपको यहाँ पे बता रही हूँ ऑप्शंस। फिर आप यहाँ पे टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये गोल्डन ग्लो सेरम बहुत ही अच्छे से काम करेगा। साथ ही में अगर आप इसमें 2-3 ड्रॉप टी ट्री डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एसेंशियल ऑयल और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल मेरा सबसे फेवरेट है। सो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ डालने वाली हूँ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, बिकॉज ये एंटी एजिंग की तरफ भी काम करता है एंड बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है इसमें। सो यस, इट काम्स द स्किन। सो जो मैं कह रही थी कि जो हल्दी है हमने जो यूज़ की है, ये हमारे स्किन को काम करता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दे एंड यू विल सी दैट इट इज़ हैविंग ए नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, विच हेल्प्स टू कीप द बैक्टीरिया फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑन योर स्किन। सो ये बहुत हद तक बैक्टीरिया को भी स्प्रेड होने से बचाता है। सो ये हो गया एक पोटेंट गोल्डन ग्लो सेरम फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है एंड आप देख सकते हो टेक्सचर बहुत ही अमेजिंगली सेरम काइंड ऑफ टेक्सचर में है। अब इसे आप कंप्लीटली एम्प्टी कर सकते हो, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो और इसे आप 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपको यूज़ करना है तो उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, बट 15 to 20 days आप इसको बाहर भी रख सकते हो। एंड इट्स सो गुड फ्रेंड्स, इट पेनेट्रेट्स इनटू द स्किन वेरी नाइसली। ये लो, बन गया गोल्डन ग्लो सेरम। सो फ्रेंड्स, कितना आसान है कि नहीं गोल्डन ग्लो सेरम बनाना। सो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बनाना और आप भी इसे अप्लाई करके देखना रिजल्ट कैसा है, और मुझे ज़रूर आके बताना इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये गोल्डन ग्लो सेरम कैसा लगा। सो आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डाउन बिलो। आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें कि कैसे बनाते हैं गोल्डन ग्लो सेरम घर पे आसानी से। टिल देन आई सी यू इन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।